नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। नगर निगम के महापौर और नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को हुआ आरक्षण के बाद साफ हो गया है कि नगर सरकार के चुनाव के लिए मैदान तैयार हो गया है। जल्दी इन चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा इन चुनावों में भी पिछली बार की तरह बंपर सफलता हासिल करेगी या अतीत की हारों से सबक लेकर कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर देकर हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने पिछली बार सभी 16 नगर निगम में अपने महापौर बनाए थे। इसके साथ ही नगर परिषद और अन्य नगरीय निकायों में 60% से ज़्यादा पदों पर बीजेपी का कब्जा था। 2 साल में यह तीसरा मौका होगा जब शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ आमने सामने होंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज और कमलनाथ 2 साल के भीतर तीसरी बार आमने सामने होंगे, मतलब अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला नगरीय निकाय चुनाव में होगा। इस बार भी दोनों पार्टियों के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। खास तौर पर भोपाल महापौर का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं रहने वाला। 1994 में भाजपा के उमाशंकर गुप्ता पार्षदों के बीच से महापौर चुने गए। 1999 से महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से शुरू हुआ। 1999 और 2004 में ये पद कांग्रेस के खाते में चला गया। 2009 और फरवरी 2015 में भाजपा ने जीत दर्ज की। इस बार राजधानी की 6 विधानसभा सीटों में से 3 यानी कि भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य और भोपाल दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए भाजपा के लिए यहां पर राह बहुत आसान नहीं कही जा सकती। 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज कमलनाथ आमने सामने थे, भाजपा को वोट ज्यादा मिले और कांग्रेस को सीट। नतीजा 15 साल पुरानी सरकार जाती रही। कमलनाथ कांग्रेसियों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरे और नतीजा ये रहा कि 15 महीने में ही सरकार का पतन हो गया। दूसरी बार दोनों उपचुनाव में आमने सामने हुए। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटें जीत ली और सरकार स्थिर करने में सफलता प्राप्त की। अब नगरीय निकाय चुनाव में दोनों एक बार फिर से आमने सामने होंगे। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव में ना केवल 16 नगर निगम बल्कि जो नगर पालिका और नगर पंचायत है इनमें भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी। और आप लोगों के माध्यम से एक बात और, जो जनता का मत है, सोच है, कांग्रेस के नाम पर खड़े होने वाले प्रत्याशी की बुरी हार के कारण कई कांग्रेस के नेता भी निर्दलीय लड़ने का विचार कर रहे हैं और ये परिणाम सिद्ध कर देंगे कि कांग्रेस निर्दलियों से भी पीछे रहने वाली है। आगामी नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतों के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर समन्वयक और प्रभारियों की नियुक्तियां कर रही है, जिसकी संरचना शुरू हो गई है। आज मैं सागर में हूं, यहां पर एक पहली बैठक भी प्रभारियों की आज हुई है और इस तरह से इन चुनाव में कांग्रेस पूरी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और जुझारू और आक्रामक तरीके से चुनाव में उतर रही है और हम चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस फिर से आंख मिलाकर इस चुनाव को लड़ेगी और हम सफलता अर्जित करेंगे। शिवराज का जादू चला तो न केवल वो मजबूत होंगे बल्कि उनके विरोधी भी पस्त होंगे, लेकिन कांग्रेस को शिकस्त मिली तो कमलनाथ को भारी विरोध का सामना करना होगा। वैसे भी ज्यादातर कांग्रेसी सरकार जाने का कारण उन्हें ही मानते हैं, ऐसे में उनके नेता प्रतिपक्ष छोड़ने को लेकर वैसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। अगर इन हालातों में नगरीय निकाय चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी तो उनका अध्यक्ष पद भी खतरे में पड़ सकता है। राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है, जहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे। प्रभु जी,
जिस प्रकार की हमने देखा कल आरक्षण हो गया महापौरों के लिए, जो जो निकाय में हमने देखा जो आरक्षित होना थे महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी सबके लिए, अगर अब ये देखा जाए तो हमने देखा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद ये तीसरा बड़ा मौका होगा जब एक तरफ कमलनाथ और एक तरफ शिवराज, भले अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन हमने ये देखा था कि विधानसभा में तो चूंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री थे शिवराज, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया संयोग से, या जो भी कहें कि जो उपचुनाव हुए, मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मैदान में थे, 28 सीटों का एक बड़ा उपचुनाव हम इसको कह सकते थे कि एक बड़ा दंगल था, वो बड़ा फाइनल कह सकते थे उसको हम, उसमें बीजेपी जीती शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़कर। और अब ये नगरीय निकाय के चुनाव हैं, अब हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी महीने में, दो महीने के अंदर ये चुनाव होंगे, बीजेपी के सामने या शिवराज के सामने क्या चुनौती होंगी और कांग्रेस के सामने क्या चुनौती होंगी? क्योंकि अगर पिछले चुनाव से वो तुलना करें तो पिछली बार पूरे 16 जो महापौर थे वो बीजेपी के थे, बाकी नगरीय निकायों में भी बीजेपी के पास 60% से ज़्यादा सीटें थी, कांग्रेस के पास अब खोने को कुछ नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस की बात ना करते हूँ, कमलनाथ की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब जो कुछ खोना पाना है वो उन्हीं को है। देखिए मनोज जी, जब जंग होती है तो स्वाभाविक तौर पर जीत का श्रेय जो है वो सेनापति या राजा को मिलता है, तो पराजय का ठीकरा भी उसके सिर पर ही फूटता है। बिल्कुल, भले गलतियाँ नीचे जो जंग लड़ने वाले हों उनकी हो, लेकिन दोनों ही स्थिति में जो है नफा या नुकसान जो कुछ भी होता है जो लीडर होता है उसके माथे पर जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, ये जो दो नाम आप बता रहे हैं, तो यदि इनमें से किसी की पार्टी नगरीय निकाय के चुनाव में अच्छी सफलता हासिल करती है तो दूसरे का पराभव होना निश्चित तौर पर है कि उसका जो वजन है वो घटेगा। यदि शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो सत्ता में हैं और अभी वो लगातार परीक्षा भी, हाल ही में एक परीक्षा में सफल हुए जिसमें उनकी सरकार अब स्थायी तौर पर चलने की स्थिति में है और अच्छी सफलता उनको मिली है, 19 से ज़्यादा मिली है। कांग्रेस का दावा था कि वो 28 के 28 सीटों पर उपचुनाव जीत रहे हैं और जब परिणाम आए तो 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, हालांकि उसको चाहिए केवल 7 सीटें थी अपनी सरकार को बचाने के लिए, लेकिन अच्छी पोजीशन उनको मिल गई है। कांग्रेस को नुकसान यहाँ पर तगड़ा हुआ है, पूरी उनकी जो 25 सीटें पर जो चुनाव हुए थे, खासकर उनके जो लोग बाहर गए थे भारतीय जनता पार्टी में, उसमें से वो केवल 9 सीट पर ही सिमट कर रह गए और उसके तो, बाद भी कि 27 सीटें उन्हीं की थी, उन्हीं की थी, विधायक की थी। तो ये जो स्थिति नुकसान हुआ है, अब यहाँ पर एक जो इसको लेकर जो कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है कि नेतृत्व परिवर्तन की एक मांग लगातार उठ रही है, वो जो मांग का मुद्दा है और कमलनाथ कह रहे हैं कि वो तो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर ही बने रहेंगे, विधानसभा के नेता विपक्ष भी वही हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी वही हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी वही थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी वही थे, तो ऑल इन वन जो लीडर हैं कमलनाथ। बिल्कुल, अब उनकी असली परीक्षा इन नगरीय निकाय चुनाव में होती है। यदि लगातार विधानसभा के उपचुनाव के बाद इन चुनाव में कांग्रेस की स्थिति खराब होती है, यदि उनको पिछले बार से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, तो स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ के ये जो इतने सारे पद हैं उसमें से दो पदों पर तो खासकर उनके जो है संकट आ ही जाएगा। एक तो प्रदेश अध्यक्ष का पद है, दूसरा नेता विपक्ष का जो पद है। बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे दावेदार हैं जो भी चुप बैठे हैं, फिर वो उनके स्वर और ज़्यादा मुखर हो जाएंगे और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद फिर पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं जिसमें पार्टी को फिर, हालांकि वो सिंबल पर नहीं होते, लेकिन उसमें भी पार्टी को अपना ताकत झोंकनी ही पड़ेगी उस चुनाव में। शिवराज सिंह चौहान के लिहाज से हम देखें तो उनके लिए तो पिछले यदि नगरीय निकाय चुनाव गए खासे फायदेमंद रहे कि 16 में से 16 महापौर वो उनकी भारतीय जनता पार्टी की जिता ले गए थे, वो ज़्यादातर नगरीय निकायों में उनका कब्जा था। और अब जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को ये मालूम था कि वो प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव में वो नगरीय निकायों पर कब्जा नहीं बना सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं, तो उन्हें अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला किया था। सरकार संयोग से बदल गई तो फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और अब जब प्रत्यक्ष प्रणाली में चुनाव हो रहे हैं तो इसका फायदा चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, ये खुद कांग्रेस मान के चल रही है, तो हमको भी मानने में कोई हर्ज नहीं है कि ये जो है प्रणाली जो है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन तो, उसमें दो पड़ोसी राज्यों का जिक्र मैं आपको रोक रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कांग्रेस को इस फार्मूले से बम्पर सफलता मिली, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल मनोज जी, छत्तीसगढ़ में उनने वो जमावट की। आप ये देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद वहाँ पर जो अध्यक्ष महापौर जैसे पदों को लेकर कितने दिन तक कवायद चली, 5-5, 6-6 दिन तक उसके लिए लॉबिंग चली, कवायद चली, खरीद फरोख का काम चला, उसके बाद फिर वो चुने जा सके क्योंकि उनको वहाँ पार्षदों से चुनना था। बिल्कुल, तो जहाँ पे भाजपा के ज़्यादा पार्षद थे वहाँ पर उसके बावजूद कांग्रेस का वहाँ पर मेयर चुन लिया गया वाली स्थिति आ गई, अध्यक्ष चुन लिया गया,
क्यों? क्योंकि वो एक आपने मंडी खोल दी थी वहां पर, और वही मंडी मध्य प्रदेश में खोलने की तैयारी कांग्रेस कर रही थी, जिस पर कि विराम लग गया है। यदि राजस्थान आप कह रहे हैं, वो जरूर राजस्थान का मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो एक थर्ड फैक्टर भी चुनाव मैदान में था, तो शायद उसकी वजह से वहाँ स्थितियाँ दूसरी हो गई। लेकिन एक मैं यदि हम भोपाल की बात करते हैं, बिल्कुल, तो 1999 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो विभव पटेल प्रत्यक्ष प्रणाली से पहली महापौर चुनी गई थी भोपाल की। उसके बाद जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बम्फाट समर्थन मिला प्रदेश की जनता का, उमा भारती के नेतृत्व में, उसके बाद जो महापौर का चुनाव हुआ, तो उसके बावजूद इतनी सफलता, जिसके समर्थन, इतना जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी भोपाल में अपना मेयर नहीं जिता पाई थी। बिल्कुल, ये स्थिति है नगरीय निकाय चुनाव की। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते आप जनता के मूड की, क्योंकि ये जनता से सीधे जुड़े हुए चुनाव हैं। व्यक्ति जब यहाँ पर वोट डालने जाता है, तो वो देखता है मेरे घर के सामने की नाली, मेरे घर के सामने की सफाई नहीं हुई है, बिजली कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, कौन से नेता को बोलने से जल सकती है, या किसका दबाव प्रभाव, या कौन मुझे नमस्ते करता है। बिल्कुल, ये नगरीय निकाय के चुनाव जो हैं, वो इतने छोटे चुनाव होते हैं कि इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि यदि सामने वाला जो उम्मीदवार है आज, उसने यदि आपको साल भर में ज़्यादातर जब भी सामने पड़ा हो नमस्ते नहीं किया हो, तो शायद आपका वोट उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरीके की स्थिति वाले चुनाव हैं, तो इसको लेकर, लेकिन चूंकि बड़े यदि हम कहें महापौर जैसे पदों की बात करें, अध्यक्ष जैसे पदों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार इसमें फायदा मिलता हुआ दिखाई देता रहा है मध्य प्रदेश में अभी तक। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर पुरानी स्थिति को पाने की कोशिश करेगी। 16 में से 16 अब असंभव दिखाई देता है, यदि हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन यदि हम आज आकलन करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कांग्रेस की तैयारी है, बिल्कुल, जिस तरीके से हम दिसंबर 2018 के चुनाव में तमाम लोग मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी, लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि 114 सदस्यों के साथ कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंच गई थी, तो वैसा कुछ नजारा भी यहाँ कुछ जगह पर देखने को मिल सकता है। बड़ी बात है ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा निश्चित तौर पर कि कांग्रेस की तैयारी दिख रही है, और आज ही कमलनाथ ने बैठक ली है कई सारे जिलाध्यक्षों की, इंदौर है, सागर का हमने सुना था भूपेंद्र गुप्ता पहुंच गए हैं, जबकि कल ही आरक्षण हुआ है। और एक नई बात अब कांग्रेस की ओर से कही जा रही है कि अब पीसीसी चुनाव नहीं करेगी, जो महापौर के या अध्यक्ष पद के या जो छोटे छोटे जो प्रत्याशी जिनका चुनाव होना पार्षदों का, वो डीसीसी जिला कांग्रेस कमेटी या जो नाम भेजेगी उनमें से उसका निर्णय लिया जाएगा। तो कांग्रेस का जो सिस्टम अभी तक हमने देखा है इतने सालों से, तो आपको लग रहा है कि संभव है कांग्रेस में कि डीसीसी जिन नामों की सिफारिश करेगी वो बड़े आसानी से मान लिए जाएंगे? मुझे लगता है मनोज, जिस तरह से कांग्रेस की बदली हुई परिस्थितियां हैं, अब कांग्रेस में उतने गुट बचे नहीं हैं, जो बचे हैं, जो गुट के क्षेत्रीय छत्रप बचे हैं वो नेपथ्य में चले गए हैं, अभी पीछे हो गए हैं वो, अभी वन मैन शो जैसा आपने भी कहा, प्रभु जी ने भी कहा कि अभी कांग्रेस में कौन है। कांग्रेस में यदि नेता प्रतिपक्ष हैं तो कमलनाथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कमलनाथ हैं, मतलब जो कुछ भी हैं कमलनाथ हैं, और उनके पीछे खड़े हैं दिग्विजय सिंह। यदि वो दोनों चाहते हैं कि नीचे से हम आज कांग्रेस को खड़ा कर लें, तो ये फार्मूला उनके लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि पार्षद के चुनाव और पार्षद जो नीचे के निकाय के चुनाव हैं, ये एक राजनीति की पाठशाला है, पहली कक्षा है। यदि यहाँ से आप यदि संगठन को खड़ा करना चाहोगे संगठन को, तो निश्चित तौर पर उसका आपको आगे जाके फायदा मिलेगा। तो ये फार्मूला वो भाजपा का अपनाना चाह रहे हैं कि नीचे से आप 3 लोगों के पैनल भेजिए और हम फिर इसको फाइनल करेंगे। अब हो सकता है कई नाम वो ऊपर से ही बोल दें कि नीचे से पैनल में दे दो, तो उनकी मनसा भी पूरी हो जाएगी और कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि नहीं, मेरा नाम नीचे से गया है और नीचे से जिला कमेटी ने भेजा था, मैं इसका दावेदार था, इसलिए इनमें से 3 लोगों में से मेरा नाम हुआ है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा तो मिलता ही है यदि नीचे से नाम आता है, और कार्यकर्ताओं को यदि कांग्रेस एक मौका है उसके पास कि नगरीय निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर सकती है, वो अच्छे से चुनाव लड़े। हमने देखा जैसे हैदराबाद में भाजपा ने चुनाव लड़ा, एक निकाय चुनाव को वो इतनी ताकत से लड़ा उन्होंने पूरी, तो भाजपा जिस ताकत से वो चुनाव लड़ी है, कांग्रेस को यदि जीवित रहना है या कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं में जो हताशा आई है 15 माह के बाद जो उपचुनाव हुए हैं और जिस तरह से सरकार चली गई है, तो उसको उत्साहित करने के लिए उनको बहुत अच्छा मौका है। कमलनाथ जी को ये साबित करने के लिए भी अच्छा मौका है कि देखिए मैं बाकी चुनाव हार गया हूँ लेकिन फिर कांग्रेस को खड़ी कर रहा हूँ। तो ये चुनाव, लेकिन एक और चीज़ है जो आपने कहा कि कांग्रेस में ज़्यादा गुट नहीं बचे, लेकिन जो बचे हैं वो कहीं ना कहीं पावर सेंटर पॉकेट्स में तो हैं अभी बरकरार, कि ग्वालियर चंबल अगर आप छोड़ दीजिए, लेकिन दिग्विजय सिंह चाहेंगे कि गोविंद सिंह के मार्फत उनके चहेतों के नाम आगे जाएं,
अगर विंध्य की बात करें हम तो निश्चित तौर पर अजय सिंह जो कि दो चुनाव हारने के बाद नेपथ्य में डले हुए हैं वो कोशिश करेंगे कि उनके समर्थकों को टिकट मिल जाए। सुरेश पचौरी भले अभी सक्रिय तौर पर राजनीति में ना दिख रहे हों लेकिन वो भी चाहेंगे। दिग्विजय सिंह वो राजगढ़ में भी दखल देना चाहेंगे, वो भोपाल से चुनाव हारे हैं, भोपाल में सक्रियता वो चाहेंगे कि यहाँ के महापौर उनकी पसंद का बने, उनकी उनकी इच्छा होगी कि गुना और आसपास के बेल्ट में भी उनके प्रत्याशी आए। तो इन सबका जो सामंजस्य होगा वो कैसे बैठेगा, क्योंकि कमलनाथ भी चाहेंगे कि सारे लोग जो चुनौतियाँ उसको ख़त्म कर दें कि अगर जीतें तब भी वन मैन शो रहे हैं और अगर हारें तब भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला ना बचे। मनोज जी अभी भी हम जैसे ये देखते हैं कि कांग्रेस में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, क्या अजय सिंह के वहाँ पर जो जिलाध्यक्ष है वो किसका आदमी है? आज भी सिंधिया जी भले ही आपको भाजपा में चले गए हों लेकिन कांग्रेस में वो जो लोग तो उन्हीं के हैं ना, जो पहले से क्षेत्रीय बात चल रहा था, क्षेत्रीय छत्रपों की जो चल रही थी, जिलाध्यक्ष भी उन्हीं के हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर नाम भी उन्हीं के आएंगे लेकिन एक प्रोसेस रहेगा कि यहाँ तक आने का एक तरीका रहेगा, उनके ही समर्थकों को बनेगा, कोई ऐसे नहीं होगा कि कमलनाथ जी तो वैसे भी आप उम्मीद मत करिए कि वो पूरे मध्य प्रदेश के नेता नहीं है, 15 माह में वो सरकार में रहा तब भी प्रदेश के नेता नहीं बन पाए, तो वो अपनी मंत्री का नाम नहीं जानते तो वो कौन से कार्यकर्ता का नाम जानेंगे उसको टिकट देंगे। बिल्कुल, टिकट तो उन्हीं को मिलना है जिनको अजय सिंह जी चाहेंगे, जिनको दिग्विजय सिंह चाहेंगे और जिनको कमलनाथ चाहेंगे, क्षेत्रीय अनुसार ही टिकट मिलेंगे, वो लोगों के नाम की सिफारिश करेंगे वही, क्योंकि जानते हैं कांग्रेस उन्हीं के उस पर चल रही है, वहाँ पे क्षेत्रीय नेताओं के भरोसे चल रही है। पचौरी जी रायसेन में जिसका नाम देंगे, होशंगाबाद में जिसका नाम देंगे, निश्चित तौर पर उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे अब वो झगड़े मुझे लगता है कि कम देखने को मिलेंगे, वो नगरीय निकायों में, बड़े निकायों में, जैसे भोपाल का एक मामला है, भोपाल में आपको विवाद की स्थिति इसलिए बन सकेगी क्योंकि यहाँ पे दिग्विजय सिंह का भी इंटरेस्ट है, यहाँ पे सुरेश पचौरी का भी इंटरेस्ट है, यहाँ कमलनाथ का भी इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन आप यदि सोचो कि बिंद में कोई विवाद होगा तो मुझे नहीं लगता, ग्वालियर चंबल संभाग में जरूर हो सकता है, वहाँ पे पैसे देख रहे हैं, पूर्व मंत्री के खिलाफ जिलाध्यक्ष ने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया, तो वहाँ अभी एक शून्यता का माहौल है, तो वहाँ जरूर क्षेत्रीय छत्रप चाहेंगे कि उनका वजूद स्थापित हो, उनका दायरा बढ़ जाए, वो एक क्षेत्र से दो क्षेत्र के नेता बन जाए, तो वहाँ आपको कसमकस देखने को मिलेगी, लेकिन अन्य जगह मुझे नहीं लगता कि इस तरह के विवाद होंगे। बिल्कुल, बड़ी बात है विवाद की, लेकिन प्रभु जी एक और चीज़ हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जब दीपक बावरिया प्रभारी थे, हारने के बाद उनको हटा दिया गया, मुकुल वासनिक प्रभारी बन गए, विधानसभा चुनाव में हार हुई, वो ज़्यादा सक्रिय दिखे नहीं थे, लेकिन अब फिर से उन्होंने इस नगरीय निकाय के चुनाव के ठीक पहले 4 उप प्रभारी बना दिए और जिनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो क्या मान लिया जाए कि विधानसभा लोकसभा की भांति जो दिल्ली में जो आला कमान है कांग्रेस का, वो कमलनाथ को टोटल फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है, कहीं ना कहीं वो चेक बैलेंस की स्थिति में लाना चाह रहा है कि उनके लोग बैठें, वो नीचे तक बात करें प्रभारी, वो प्रभारी दीपक को, मुकुल वासनिक को रिपोर्ट करें, इसके बाद दिल्ली तक वो उसको डिस्कस हो, और भले ये कहा जा रहा हो कि DCC के नामों पर मोहर लगेगी लेकिन वो नाम भी आ सकते हैं जो दिल्ली तक जिनकी पहुँच होगी या दिल्ली जिनको चाहेगी। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में भले एक दावा करें कि DCC से नाम आएंगे लेकिन DCC हो या PCC हो या AICC हो, वहाँ की चुनाव की एक अपनी अनूठी प्रक्रिया है। चुनाव की जब तैयारियां तो पूरे जोर से होती हैं लेकिन जैसी चुनाव होता है वो बंद कमरे में, तो अंतर एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि आला कमान जो कहेगी उस पर छोड़ दिया जाए, तो वो चुनाव कांग्रेस का होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम जो कैंडिडेट के वो ऐसे ही आने वाले हैं कि सागर के महापौर का पद का निर्णय जो है फलाने पे छोड़ दिया जाए, वहाँ का उन पर छोड़ दिया जाए, इस तरीके की स्थितियाँ वहाँ बन सकती हैं। चूँकि अब जिस जैसा भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे और जो मुकुल वासनिक जी ने जो काम किया है उसमें जो अंतर दिखाई दे रहा है, एक कमान वो अपने हाथ में ले रहे हैं जी, एक जो नीचे तक वार्ड स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैनात करने के बाद भूपेंद्र गुप्ता कर रहे हैं, तो कांग्रेस की तैयारी दिखाई दे रही है। लेकिन हमने यदि पिछले अनुभव से देखें कांग्रेस की, तो कांग्रेस हर बार ऐसे ही तैयारी करती है। दीपक बावरिया ने जो मंडलम का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद ये नीचे तक बड़े पेज प्रभारी तक गए, हर स्तर पर कागज पे उनके जो है बूथ पर तैनात आदमी दिखाई देते हैं, लेकिन पोलिंग के दिन आप चले जाइए तो वहाँ पोलिंग एजेंट बैठने को नहीं मिलते हैं कांग्रेस के। तो ये जो कांग्रेस की जो कागजी तैयारी है उसके बजाय वो जमीनी धरातल पर यदि अपनी तैयारी पर उतरें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा उनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि कांग्रेस को समर्थन मध्य प्रदेश की जनता आज भी करती है। कांग्रेस का ये नहीं कि मध्य प्रदेश में नकार दी गई हुई पार्टी हो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दो दलों के बीच ही ज़्यादातर मतदान होता है, बाकी छोटे मोटे दल बहुत नॉमिनल में निपट कर रह जाते, कई जगह तो नोटा से भी कम वोट उनको मिलते हैं। तो ये इसका कारण ये भी मान लें हम कि कोई जनता के पास विकल्प नहीं है, जैसा उत्तर प्रदेश में, बिहार में हमने देखा, आंध्र में, तमिलनाडु में, कि जहाँ विकल्प है कांग्रेस का वहाँ क्षेत्रीय दल हावी हो रहे हैं या दूसरे दल, जहाँ कांग्रेस का विकल्प नहीं है वहाँ कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होता है। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की वो परिस्थितियाँ या क्षेत्रीय दल पनप भी नहीं सकता है,
मध्य प्रदेश अपने आप में भारत की तरह है, विविधता वाला प्रदेश है। यहाँ पर आप चले जाइए बुंदेलखंड तो एक अलग भाषा बोली है, अलग तरीके कल्चर के लोग हैं। बिल्कुल। आप मालवा चले जाइए, अलग कल्चर है, खान पान से लेके बोली उनकी बिल्कुल अलग है। महाकौशल अलग स्थिति में है। विंध्य तरफ चले जाइए तो अलग ही, वो एक अपने आप में अलग नेचर के लोग वहाँ पर हैं। तो इस तरीके के लोग, इसीलिए कहावत भी है, कोस कोस पे भाषा बदले तीन कोस पे पानी। तो ऐसे सब वहाँ पर क्षेत्रीय दल का पनपना बहुत मुश्किल है। यदि हम देखें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मध्य प्रदेश से शुरुआत की थी, बिल्कुल, लेकिन उस पार्टी का क्या हुआ, खत्म होने पे आ गई। तो ये वजूद नहीं बना पाती है क्योंकि उनको उतना समर्थन नहीं मिलता। जबकि यदि हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो किसी न किसी जाति वर्ग की बहुलता के कारण उस वर्ग के लोगों के साथ वो दूसरा एक पैचअप कर लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। वो स्थितियाँ मध्य प्रदेश में नहीं है। यहाँ का मतदाता कांग्रेस में जाएगा को वोट देने जाएगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जाएगा। यही दोनों दल प्रमुखता से उसके सामने रहते हैं जी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के सीधे सीधे प्रभारी बना दिए गए, तो वहाँ कहीं ना कहीं मनोज जी मुझे लगता है कि दिल्ली का दखल इसमें प्रत्याशियों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और कांग्रेस को यदि वाकई में संघर्ष करना है नगरीय निकाय चुनाव में और अपनी पुरानी स्थिति को पाना है, अपने सम्मान को बरकरार रखना है, चूँकि लगातार लंबे समय से नगरीय निकाय भाजपा के कब्जे में है, तो लोकल स्तर पर जो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो वहाँ पर होगा, उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। तो उसके लिए अपने नीचे तक टीम उसको तैनात करनी होगी, अच्छे लोगों को उसको, जो सक्रिय कार्यकर्ता हो उनको टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारना होगा, तभी कांग्रेस को सफलता मिल सकती है, तभी वो कमलनाथ के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक और छोटा सा फाइनल कमेंट कि जो प्रभु जी ने कहा कि सफलता मिल सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ कहें कि एक प्लस और माइनस पॉइंट ये भी इस चुनाव में रहेगा कि लगभग एक साल पहले लगभग सारे नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका था, 6 महीने 8 महीने साल भर में। तो स्वाभाविक तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन वो जो एक जुड़ाव होता है जनप्रतिनिधि का, कि वो जब पद से हटता है इसके बाद महीने 2 महीने 45 दिन 40 दिन वो वापस चुनाव में चला जाता है, इसमें जो जनता से कनेक्ट रहता है, तो इस बार वो जनता से उतना कनेक्ट भी नहीं रहा। और दूसरा, कोरोना ने इस दूरी को बढ़ा दिया, तो ये भी एक उनके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है और माइनस पॉइंट भी। निश्चित तौर पर मनोज जी, प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी। यदि कोरोना में जो लोग नेता सक्रिय रहे, हमने देखा उज्जैन के एक पार्षद का देहांत हो गया कोरोना के दौरान, तो जो नेता राजनेता इस दौरान में सक्रिय रहे होंगे, लोगों से जुड़े रहे होंगे एक साल के पीरियड में, क्योंकि नगर निगम का एक पहला पायदान होता है, यदि किसी को मोहल्ले में नाली खराब है, किसी को पानी नहीं आ रहा है, तो वो पार्षद के पास जाता है, महापौर के पास जाता है। वो जो एक गैप हो गया, अधिकारी के पास हर आदमी की पहुंच नहीं होती और वो पहुंचता भी है तो मुलाकात नहीं हो पाती है। तो अब वो पार्षद वो जो काम नहीं कर रहे थे और जो इसके बावजूद भी सक्रिय रहे, हमने देखा कोरोना काल आ गया, जो लोग अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, लोगों ने आप खाना बांटा, सब कुछ किया, लोगों की जो जो मदद हो सकती थी किया, तो उसका फायदा भी आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो जो नाराजगी है या जो सहानुभूति है, जो यदि वोट बैंक जो चली गई है उनकी नाराजगी होगी, यदि पूर्व पार्षद रहे वो, यदि उनने कोई काम नहीं किया होगा, यदि उन्होंने कोरोना काल में मदद की होगी, तो हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो आज याद रखेंगे कि आज क्या उन्होंने मदद की है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि नमस्कार भी देखता है आदमी, यदि कोरोना ऐसे संकट काल में यदि मदद की होगी, निश्चित तौर पर उनको इस चुनाव में फायदा मिलेगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में व्यक्ति को भी देखते हैं, पार्टी को सेकेंडरी रहते हैं। यदि आप व्यक्तिगत अच्छे हैं और लोगों से संपर्क में मददगार हैं, तो वो पार्टी नहीं देखता मतदाता, वो पार्टी सेकेंड बार देखता है, तो यहाँ इसका फायदा लोगों को मिल सकता है। बिल्कुल, बड़ी बात है कि अगर आपकी अच्छी कनेक्टिविटी है तो आप जनता के सिग्नल में बने रहेंगे और जनता आपका रिचार्ज करने की कोशिश करेगी, वरना जनता पोर्ट कर जाएगी। बहरहाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती और शिवराज सिंह चौहान के सामने भी, क्योंकि उपचुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने बम्पर जीत बीजेपी को दिलाई थी और कई सारी सीटें ऐसी थी जिनकी उम्मीद नहीं थी कांग्रेस को, वो कांग्रेस के खाते में चली गई थी, बीजेपी हार गई थी। और इस उपचुनाव अब हम देखेंगे जो नगरीय निकाय है कि बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी और कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी अपना स्टैंड उनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया कि कोशिश करेगी पार्टी युवा चेहरों को आगे लाया जाए, ऐसे लोगों को लाया जाए जिससे समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। और यही कारण है कि जो बात आ रही है कि विधायकों और सांसदों को शायद महापौर के चुनाव में ना उतारा जाए, कांग्रेस ने भी तैयारी की है, प्रभारी बना दिए हैं और डीसीसी से नाम मंगाए जा रहे हैं। और अगर वाकई कांग्रेस ऐसा कर पाई तो जो उसकी जो नीचे से जो जनता से कनेक्टिविटी कट गई है वो उस तक वापस पहुंचेगी और जो उसका ठोस वोट बैंक है उसमें इजाफा होगा। लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि एक बार तीसरी बार लगातार 2 साल में नाथ वर्सेस शिवराज कसौटी पर, और जनता के पास ये मौका होगा कि वो वापस किस पर भरोसा दिखाती है। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।